प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश को 21 दिन के लिए कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें आपको हम रामगढ़ जिले की दिखाना चाहेंगे कि कैसे जो है बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है लॉकडाउन के बाद। इक्के दिक्के वाहनों का परिचालन हो रहा है और वो भी जो लोगों को जीवन आवश्यक वस्तुएं लेना है वे लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। नहीं तो एहतियातन के तौर पर पुलिस हर चौक चौराहे पर ऐसे लोगों को पूछताछ करने के बाद रोक दे रही है कि वो यात्रा न करें। एक तस्वीर बड़ा सुखद है कि देखिए यहाँ पे कुछ एक दुकान है, दुकान में जो है दूध सहित अन्य सामानों की बिक्री होती है। दुकानदार ने एक बहुत अच्छा नायाब तरीका अपनाया है और चौक के सहारे से कई गोले बनाए हैं। जो सोशल डिस्टेंस की बार बार बात की जा रही थी, तो ऐसे में जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक फीट की दूरी पर ये गोल गोल जो है सर्किल बनाए गए हैं और जो भी उपभोक्ता सामान लेने यहाँ पहुँच रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि आप सर्किल में रहें और एक एक करके आगे आएँ। आइए हम जानते हैं कि आखिर इसके पीछे जो है क्या मकसद रहा है और इसका कितना बेनिफिट मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि ये कैसे एक दिमाग में आया कि जो है सर्किल बनाना चाहिए? हम और तो कोरोना वायरस के चलते हम तो अपनी दुकान को बंद रखे थे, मगर यहाँ के कुछ लोकल बसिंदे हमारे घर तक आके दरवाज़ा खटखटाने लगे और बोले भैया हमें आप सामान नहीं दोगे तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो फिर मुझे यह कदम उठाना पड़ा दुकान पर आके कि एक एक फीट के डिस्टेंस में, एक दो फीट के डिस्टेंस में गोला घेरा बनाया गया और मैंने ग्राहक को बोला आप घेरा के अंदर एक एक करके ही आए और दो फीट की दूरी से बना करके और सामान लें। तत्पश्चात मैंने उन सामान देना चालू किया और केवल आवश्यक वस्तु ही हम दे पा रहे हैं, खाद्य वस्तु, दूध, दही और ब्रेड की सेवा उपलब्ध करा पाएंगे यहाँ से बस। देखिए ये बहुत अच्छा है जो बार बार जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सोशल डिस्टेंस को हर हालत में मेंटेन किया जाए। और ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे सर्किल में लोग पहुँचते हैं एक एक करके दुकान के पास पहुँचते हैं और उसके बाद वो अपना सामान ले पाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आप चूंकि उपभोक्ता हैं सामान लेने आए हैं, ये जो सर्किल है इसको किस रूप में देख रहे हैं और कितना ज़्यादा इसको बेनिफिशियल? सर, नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई पहल को हम लोग पूरी तरह फुलफिल कर रहे हैं और ये सुरक्षा घेरे को देने का मतलब है कि संक्रमण का खतरा कम रहे। यहाँ 3 मीटर के डिस्टेंस में ये गोल चक्कर बनाए गए हैं दुकानदार द्वारा, ये धर्मोपान पैलेस द्वारा, और दुकान ये इतनी देर बंद थी अभी खुली है तो हम लोग अपना दूध लेने के लिए। आप लोग भी सामान लेने आ रहे होंगे तो संतुष्टि लगता है सर। तो आपने देखा कि जो यहाँ उपभोक्ता पहुँच रहे हैं उनका भी कहना है कि चूंकि जब इस सर्किल के तहत जब वो सामान लेने के लिए आते हैं तो उनको भी एक सुरक्षा का महसूस होता है और लगता है कि मास्क के बाद भी अगर जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन की बात है तो ऐसे करने से जो है एक दूसरे से जो है लोगों की दूरी बनी रहती है और चाहकर भी लोग जो है सामान लेने के लिए भीड़ नहीं लगा पाते हैं। तो कई तरह की चीज़ें आप लगातार बार बार देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे सिलेंडर के गैस हैं जो कि होम डिलीवरी की जा रही है, यानी आपको अगर गैस ख़त्म है अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सिलेंडर की होम डिलीवरी भी की जा रही है। तो जीवन आवश्यक जो भी चीज़ें हैं अभी तक जो है 19 प्रकार की जीवन आवश्यक चीज़ों को रखा गया है और ये कोशिश की जा रही है कि उसकी होम डिलीवरी की जाए और लॉकडाउन के दौरान जो 21 दिनों का लॉकडाउन है उस दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न भुगतना पड़े। अपने सहयोगी अजीत के साथ कशिश न्यूज़ के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र कुमार।